टेलीविजन के सामने बैठकर ठहाके लगाने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग खाली नरक हाउसफुल एक कॉमेडी शो जल्द ही आपके टेलीविजन पर आने वाला है, जिसकी लॉन्चिंग मयूर विहार के क्राउन प्लाजा में हुई। नाटक के डायरेक्टर राजेश राज ने आपको गुदगुदाने के लिए इस शो में खासी तैयारी कर रखी है, जिसके लिए उन्होंने बाल कलाकारों से लेकर अनुभवपूर्ण कलाकारों तक सभी का किरदार कॉमेडी भरे अंदाज में प्रस्तुत किया है। क्योंकि इस नाटक में आपको अमिताभ बच्चन के किरदार के साथ स्वर्ग के अफसराओं से भी मुलाकात करनी होगी। देखिए सर, बहुत ही अच्छी थीम है स्वर्ग खाली नरक हाउसफुल, और सभी लोग जानते हैं कि जो हम आजकल छोटी छोटी चीज़ों पर इतने बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं, तो ये सारा थीम उन्हीं के ऊपर है। तो फर्स्ट तो आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द चांस टू राइटिंग दिस ब्यूटीफुल सीरियल। बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी, बहुत अच्छी थीम है। जैसे कि हम जानते हैं ज़मीनी स्तर पर हम छोटे छोटे क्राइम्स के लिए इतने मतलब छोटी छोटी बातों के लिए इतने बड़े बड़े क्राइम्स कर देते हैं, तो उन चीज़ों को स्टॉप करने के लिए उन चीज़ों, क्योंकि ये सीरियल कॉमेडी सीरियल है और कॉमेडी के साथ साथ हम लोगों को एक सीख देता है, क्योंकि हमें अच्छे काम करने चाहिए। जो भी हम यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर गलत काम करते हैं उनके लिए, हालांकि हमारे पास कानून है, बट कानून हमें हर चीज़ के लिए सज़ा नहीं देता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि कानून तो अंधा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून की नज़रों से बिल्कुल बच जाती है, बट कानून की नज़रों से भले ही वो चीज़ें बच जाए, सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा कानून ऊपर है, वो किसी को नहीं बख्शता। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग प्लीज़ गॉड से डरें और वही सारे अच्छे काम करें जो हमें करने चाहिए। और जो ये टाइटल है स्वर्ग खाली नरक हाउसफुल, ये इसका उल्टा कर दिया जाए, स्वर्ग हाउसफुल और नरक खाली। भाई आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा किया है। राजेश राज जी एक सीरियल बना रहे हैं, टीवी सीरियल स्वर्ग खाली नरक हाउसफुल, और कॉमेडियन सीरियल है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत कर रखी है इसके अंदर। इस सीरियल में इतनी मेहनत की हुई है राजेश जी ने, और बल्कि मैं कहता हूँ पूरी टीम ने अच्छी मेहनत कर रखी है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अपने आप में एक नया कंसेप्ट है, जो कि अभी तक ऐसा सीरियल अभी तक नहीं आया है। हमने वही नाम रखा, बड़ा ढूंढ के नाम रखा और बड़ी मेहनत करके तब ये नाम रखा है, और बहुत अच्छा ये सीरियल जाएगा। तो इसका कॉमेडी सीरियल आपने इसको क्यों दिया मतलब? भाई कॉमेडी सीरियल की ये मॉडर्न टाइप का जो है ना, स्वर्ग और नर्क जो है ना, दोनों ही मॉडर्न टाइप के हैं। इसके जो धर्मराज हैं या जो यमराज हैं या अपने चित्रगुप्त जी हैं, सारे मॉडर्न टाइप के हैं। इसमें कैसे कैसे करेक्टर देखने को मिलेंगे दर्शकों? इसमें हर टाइप का करेक्टर देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर तो सबने जाना है, यमराज जी सबको ही लेके जाएंगे, चाहे गरीब हो अमीर हो, मैं अफसर हो या कुछ भी, सबको लेके जाता है। तो इसमें करेक्टर हर एक का टर्न बाई टर्न दिखाएंगे, और ये मंडे से फ्राइडे तक चला करेगा टीवी में। टीवी का भी डिसाइड करना है कि कौन से चैनल पे दिखाएं, उसके लिए करना है। बाकी जैसे कि आप अमित जी के करेक्टर में बहुत ही बखूबी तरीके से उनका रोल निभाते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें दिखेगा हमें कोई ऐसा रोल आपका? भाई उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, सेट उसी टाइप का होगा, धर्मराज का सेट वही है, जो कि अपना रिकॉर्ड मंगवाता है इनसे, यमराज से और चित्रगुप्त से, भाई इनके रिकॉर्ड लेके आओ। तो उसके अंदर डिसाइड मैंने करना है इसको नर्क में डालना है क्या स्वर्ग में, और नर्क हमारा फुल है, स्वर्ग वाले वो परेशान है जो वहाँ पे जो अफसराएँ हैं कि साहब हमें हमारे पास तो कोई किसी को तो भेजो, हम बोर हो जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे हंसी मजाक का इसके अंदर है, मेरा वही केबीसी वाला जो ना सेम, जो अमिताभ जी के जो हमारे बड़े भाई हैं उनके रोल के अंदर मैं हूँ सारा। मेरा स्वर्ग खाली नर्क हाउसफुल में अप्सरा का रोल। तो कैसा है मतलब आपने इसकी शूटिंग की होगी, कैसा लगा? अभी शूटिंग हो नहीं है, दर्शकों के बीच कब तक आएगा ये शो? ये शो अभी जल्दी आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। तो अपना अनुभव बताइए, आप इनके साथ काम कर रही है अभी तक, आगे और क्या आपकी मतलब आगे किस तरीके से इनके साथ जुड़ेंगे और किस तरीके से अपने आपको टीवी के जरिए दर्शकों तक मतलब एक छवि अपनी बरकरार रखेंगे? देखिए अभी आप ये चीज़ तो अभी सीक्रेट रहने दीजिए, जब आएगा शो तो तब देखने की कैसे कैसे रोल कौन कैसे कर रहा है। हम सभी अगर अभी हम बता देंगे ना सस्पेंस खत्म हो जाएगा, जब देखने लगेंगे ताकि अभी देखें दूसरे दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, वही चीज़ आएगी। और कॉमेडियन शो है ये सारे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब कि मैं पहली बार इस सीरियल में काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने 2-3 शॉर्ट मूवी भी की हैं, और अभी मैं कुछ मंथ पहले ही राजा सर जी से जुड़ा हूँ, और मैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सीरियल में काम करने का मौका दिया। अभी तो कोई कैरेक्टर डिसाइड नहीं हुआ है, बस स्टार्टिंग है। माय नेम इज विकी शर्मा, और मैं इस सॉन्ग में थीम सॉन्ग या सॉरी इस सीरियल में थीम सॉन्ग दे रहा हूँ,
और जो इसका टाइटल है सर खाली नर्क हाउसफुल, इसको लेके ये मैंने सॉन्ग लिखा हुआ है। तो इसमें ये चीज़ जो चीज़ दिखाई जा रही है इसमें, जैसे कि लोग बाग बुरे काम कर रहे हैं, सोचते हैं क्या नाम है, हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर तो सब कुछ देख रहा है, ऊपर कोई बैठा है वो सब कुछ देख रहा है। तो सीधी सी बात है, उसी को लेके, ये पूरी थीम को लेके मैंने ये सॉन्ग राइट किया है और इसको एज ए सिंगिंग भी मैं ही कर रहा हूँ।